कैसे हैं स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.3। प्रश्नावली 15.1 और 15.2 मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं और आप चैप्टर 1 से लेकर 14 तक भी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इन सभी वीडियोस को आप फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 का पार्ट बी करते हैं। पार्ट ए हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। इसके हमें 3 पार्ट्स दिए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ए पार्ट हम कर चुके हैं, अब देख लेते हैं बी पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट में क्या दिया, कार द्वारा तय की गई दूरी, और इसके लिए हमें ये तालिका दे रखी है। यहाँ पर दिया है समय घंटों में, 6 बजे प्रातः, 7 बजे प्रातः, 8 बजे प्रातः, 9 बजे प्रातः, एक एक घंटे का गैप दिया गया है। दूरी किलोमीटर में हमें दिया 40, 80, 120, 160, मतलब 6 बजे प्रातः कार द्वारा तय दूरी है 40 किलोमीटर, 7 बजे प्रातः है 80 किलोमीटर, 8 बजे प्रातः 120 किलोमीटर, 9 बजे प्रातः 160 किलोमीटर। तो यहाँ दूरियों में भी क्या अंतर दिया, 40-40 किलोमीटर का। ठीक है, इस तालिका का प्रयोग करके हमें क्या करना है, आलेख बनाना है। तो सबसे पहले हम आलेख बना लेते हैं और इस तालिका से संबंधित हमें प्रश्न भी दिए हैं, प्रश्न के आंसर भी हम कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, आलेख बना लेते हैं। हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और इस पर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेंगे। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष खींचेंगे, क्षैतिज रेखा, इस तरह की जो रेखा होगी वो क्या कहलाती है, एक्स अक्ष, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स और एक्स डैश। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्स अक्ष, यहाँ लिख देते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, अब हम खींच लेते हैं वाई अक्ष। तो ये जो क्षैतिज रेखा है ये एक्स अक्ष कहलाती है और इस तरह की ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा ये हमारी होगी वाई अक्ष। तो इसको नाम देते हैं वाई और वाई डैश। ठीक है, एक्स अक्ष ने और वाई अक्ष ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा है उसे हम कहते हैं मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक होते हैं 0.0। इस 0.0 का मतलब क्या है, पहला जो निर्देशांक दिया है वो एक्स अक्ष के लिए है, तो यहाँ 0 होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से हम इधर की ओर एक बॉक्स भी नहीं चले हैं, तो कितना चले हैं, एक बॉक्स भी नहीं चले, अर्थात 0 बॉक्स। ठीक, और दूसरा निर्देशांक है वाई अक्ष के लिए, इसके लिए, तो ये भी 0 है, यहाँ पर खड़े हैं, इसका मतलब यहाँ ऊपर की ओर भी एक भी बॉक्स नहीं चले, इसीलिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0.0 होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। अब हमें क्या करना है, आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया एक्स अक्ष, यहाँ लिख देते हैं हम चलो वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष। अब हमें क्या करना है, इस टेबल का प्रयोग करना है और इस पर हमें आलेख बनाना है। तो देखिए ये जो समय दे रखा है, ठीक है, इसको हम एक्स अक्ष पर अंकित कर लेते हैं और जो दूरी दे रखी है उसको हम वाई अक्ष पर अंकित कर लेते हैं। ठीक, पैमाना हम क्या लेंगे, एक घंटे का गैप के लिए 2 बॉक्सेस का प्रयोग करेंगे, यानी ये 2 बॉक्स जो हैं ये दिखाएंगे 1 घंटे को। तो यहाँ हम लिख लेंगे 6 बजे प्रातः। ठीक है, और अगले 2 बॉक्स लेंगे तो ये दिखाएंगे 7 बजे प्रातः। ठीक है, 1 घंटे का गैप हो गया। अगला बॉक्स क्या दिखाएगा, 8 बजे प्रातः। ठीक है, बजे प्रातः लिख लेना, और अगला बॉक्स हमें दिखाएगा 9 बजे प्रातः। ठीक, एक एक घंटे गैप से हमने क्या किया है, 2 बॉक्स लिए हैं, 2 बॉक्स का अंतर दिया है 1 घंटे के लिए। तो पैमाना हमारा क्या होगा, पैमाना हमारा है 2 इकाई, यानी 2 बॉक्स, 2 इकाई बराबर 1 घंटा। क्लियर है, देखिए 6 से 7 कितना घंटा होगा, 1 घंटा होगा, 7 से 8 1 घंटा, 8 से 9 1 घंटा। ठीक है, और ये क्या है, एक्स अक्ष पर समय घंटों में, तो यहाँ लिख देते हैं समय घंटों में। क्लियर, ये हमने लिख लिया समय घंटों में। अब वाई अक्ष पर हम दूरी दर्शा देंगे, तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे,
देखिए दूरी हमें अधिकतम दे रखी है 160 किलोमीटर, तो अगर हम एक बॉक्स का प्रयोग एक किलोमीटर के लिए करेंगे तो हमें 160 बॉक्सेस चाहिए होंगे। तो हम क्या करें, दूरी में हमें कितना अंतर दिया है, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 20 20 का अंतर, 40 40 का अंतर दिया है। तो हम क्या करेंगे, दो बॉक्स लेंगे और 40 किलोमीटर की दूरी दिखा देंगे। तो यहाँ हमारा 40 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर दो बॉक्स लेंगे, अगले 40 किलोमीटर, मतलब यहाँ हो जाएगा 80 किलोमीटर। फिर दो बॉक्स, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 120 किलोमीटर। फिर अगले दो बॉक्स, ये दिखाएंगे 160 किलोमीटर को, ठीक है। यहाँ पर हमने दो बॉक्स में एक घंटा दिखाया है और यहाँ दो बॉक्स में 40 किलोमीटर, तो एक बॉक्स समय पर कितना दिखाएगा, एक बॉक्स समय पर दिखाएगा 30 मिनट, क्योंकि एक घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। दो बॉक्स 60 मिनट दिखा रहे हैं तो एक बॉक्स कितना दिखाएगा, 30 मिनट। तो यहाँ पर 30 मिनट और ये 30 मिनट 60 मिनट हो जाएंगे, एक घंटा हो गया। यहाँ पर 6 बजे हैं तो यहाँ बजेंगे 6:30 मिनट, फिर 7, फिर 7:30, फिर 8, फिर 8:30, फिर 9, फिर 9:30, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं, दो बॉक्स 40 किलोमीटर, तो एक बॉक्स कितना दिखाएगा, 20 किलोमीटर को। यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा एक बॉक्स में, फिर अगले 20 40, फिर यहाँ 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। अब तालिका में हमें क्या दिया है, तालिका में स्टूडेंट हमें दिया है 6 बजे प्रातः कार द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो ये रहा हमारा 6 बजे का, ठीक है। इस लाइन पर हम सीधे जाएंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये कहाँ ले जाएगी हमें, 40 किलोमीटर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना बिंदु अंकित कर लेंगे। ये क्या दिखाएगा, 6 बजे कार द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। आप यहाँ पहले पैमाना लिख लें, पैमाना क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पैमाना बाई एक्स के लिए, दो इकाई बराबर 40 किलोमीटर है, ठीक है। दो इकाई बराबर 40 किलोमीटर, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिखकर दे दिया। और क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे दूरी किलोमीटर में, दूरी किलोमीटर में, ठीक है, क्लियर। और साथ में ये लिख लेंगे पैमाना, दो इकाई बराबर 40 किलोमीटर, मतलब दो बॉक्स बराबर 40 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें अपना पहला बिंदु मिल गया, 6 बजे कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 40 किलोमीटर। तो इस लाइन पर हम 6 वाली लाइन पर यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पर हमें देखेंगे कि यहाँ 40 किलोमीटर हमारे हो जाते हैं। इस वाली लाइन ने और इस वाली लाइन ने एक दूसरे को यहाँ काटा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिंदु, ठीक। फिर दिया हमें 7 बजे 80 किलोमीटर, तो हम यहाँ 7 बजे जाएंगे और इस लाइन पर ऊपर जाएंगे, कहाँ तक, 80 किलोमीटर वाली लाइन तक। यहाँ पर हमें अपना अगला बिंदु मिल जाएगा। देखिए ये लाइन किसको दिखा रही है, 80 किलोमीटर को दिखा रही है, और ये लाइन 7 बजे को। तो अगला बिंदु हमें यहाँ मिल गया। फिर हमें दिया 8 बजे 120 किलोमीटर, तो 8 बजे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से जब ऊपर जाएंगे सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, 120 वाली लाइन तक, यहाँ तक, यहाँ हमें अपना अगला बिंदु मिल जाएगा। ये लाइन क्या दिखा रही है, 120 किलोमीटर को, ठीक है। और ये लाइन क्या दिखा रही है, 8 बजे को, ठीक है। नेक्स्ट है 9 बजे 160 किलोमीटर, तो 9 हमारा ये रहा। अब इस लाइन से हम ऊपर जाएंगे कहाँ तक, 160 तक, 160 वाली लाइन ये रही, ये वाली, ठीक। तो अगला बिंदु हमें यहाँ मिल गया। अब इनको क्या करना है, हमें मिला लेना है और हमारा आलेख बन जाएगा, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं, ये हमारा आलेख बन गया, क्लियर, ओके। अब हमें इस आलेख से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, तो उनके आंसर भी हम लिख लेते हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो पार्ट बी में हमें पहला प्रश्न दिया है, 7:30 बजे, मतलब 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। यहाँ ये कह रहे हैं कि 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में कार ने कितनी दूरी तय की। तो हम चलिए समय वाली लाइन पर जाते हैं। देखिए ये 7 हो जाएगा, एक बॉक्स और ले लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 7:30, क्यों, क्योंकि एक बॉक्स कितने मिनट को दिखा रहा है, 30 मिनट को। यहाँ 7 हो जाएगा, 7 और 30 मिनट कितना हो जाएगा, 7:30। तो यहाँ मिल गया हमें 7:30 बजे प्रातः, ठीक है। 7
1:30 पर कार ने कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पर हम सीधे जाएंगे इस वाली लाइन पर, तो यहाँ हमें ना बिंदु मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस वाली लाइन ने इस रेड लाइन को कहाँ काटा, यहाँ पर, और ये लाइन क्या दिखा रही है, इस वाले पॉइंट को, और ये पॉइंट कितना होगा, ये 80 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर और जुड़ जाएगा क्योंकि एक बॉक्स 20 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 7:30 कार ने कुल दूरी तय कर ली थी 100 किलोमीटर की। ठीक है, ओके। अब 7:30 से फिर वो 8 बजे तक चली है, मतलब इतनी दूरी फिर तय की है, तो ये दूरी कितनी है 8 बजे की। ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ अपना बिंदु मिलेगा और ये है हमारा 120 किलोमीटर, यानी 8 बजे दूरी तय की है 120 किलोमीटर, 7:30 कार खड़ी थी 100 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक, और 8 बजे कार पहुँच गई 120 किलोमीटर की दूरी पर। तो 7:30 से 8 बजे के बीच में कितनी दूरी तय की है, 120 - 100 = 20 किलोमीटर। ठीक है, कितनी, 20 किलोमीटर, जैसा कि आप समझ सकते हैं ना, 7:30 कार 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 8 बजे 120 किलोमीटर की दूरी पर, तो कितनी दूरी हो गई 7:30 से 8 के बीच में, 20 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था, यानी जब 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी तो समय क्या हो रहा था। तो देखिए, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, इधर आएंगे तो हमें यहाँ पर अपनी लाइन मिल जाएगी, ये कितना समय था, 7:30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7:30 बजे प्रातः। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट बी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।